हेलो फ्रेंड्स, आज हम DRDO सेप्टम 9 टेक्नीशियन है वेल्डर एग्जाम 2019 के लिए मॉडल पेपर एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल डिपोजिशन रेट इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज, आंसर लेस देन गेस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट अ ब्लैंक ड्राइंग इज टू बी प्रिपेयर टू कट पीसेस फॉर वेल्डिंग, आंसर डेवलपमेंट। फर्स्ट अ डेवलपमेंट ड्राइंग इज टू बी प्रिपेयर टू कट पीसेस फॉर वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, वेल्डर्स चेस्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्पेटर्स फ्रॉम द आर्क बाय, आंसर लेदर एप्रन। क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिलीन कैन बी डिजॉल्व इन अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड, आंसर एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट प्रोसेस फॉर रिपेयर ऑफ द वर्न आउट शाफ्ट्स इज, आंसर हार्ड फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज द फार्मूला यूज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग टू कैलकुलेट, आंसर अमाउंट ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 7, हाई डिपोजिशन रेट एंड स्पीड कैन बी एक्सपेक्टेड इन, आंसर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी टेस्ट, आंसर टेंसाइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनर कोन ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज शॉर्टेस्ट इन ब्लैंक फ्लेम, आंसर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनर कोन ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज शॉर्टेस्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल यूज इन सोल्डरिंग, आंसर बिलो 420 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक मेटल विल रजिस्ट द फ्लो ऑफ एक्स रेस, आंसर लेड। लेड मेटल विल रजिस्ट द फ्लो ऑफ एक्स रेस। क्वेश्चन नंबर 12, क्लीन द स्पेटर्स इन मेटल इनर्ट गैस टॉर्च नोजल टिप बाय, आंसर एंटी स्पेटर स्प्रे। क्वेश्चन नंबर 13, द गैस नोजल ऑफ द टॉर्च यूज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज मेड ऑफ, आंसर सिरेमिक। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आंसर स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सेलेक्ट द मिक्स्ड गैस, आंसर ऑर्गन 98% प्लस ऑक्सीजन 2%। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क अलॉन्ग विद द वेल्ड आर कॉल्ड, आंसर स्पेटर। क्वेश्चन नंबर 17, द पर्पस ऑफ अ प्रेशर रेगुलेटर इज, आंसर टू रिड्यूस द गैस प्रेशर एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 18, इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग द करेक्ट टॉर्च एंगल इन डाउन हैंड पोजिशन इज, आंसर 60 डिग्री टू 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, थोरियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी इन, आंसर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज अ नॉन प्रेशर वेल्डिंग, आंसर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इज अ नॉन प्रेशर वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21, हेविली ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड बीड इज ड्यू टू, आंसर इनसफिशियंट शील्डिंग गैस फ्लो। क्वेश्चन नंबर 22, नो डिस्टॉर्शन अलाउंस इज रिकमेंडेड फॉर विच जॉइंट, आंसर लिप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग, आंसर राउंड रॉड्स। क्वेश्चन नंबर 24, प्योर एल्यूमिनियम मेल्ट्स एट अप्रॉक्सीमेटली, आंसर 650 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द मेटल इनर्ट गैस टॉर्चेस आर एयर कूल्ड दे आर, आंसर लेस देन 200 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 26, इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग स्प्रे ट्रांसफर रिक्वायर्स, आंसर 28 वोल्ट टू 32 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एन इलेक्ट्रोड कोड एच पर आईएस इंडियन स्टैंडर्ड कंटेंस टू लेटर्स
followed by a 4-digit number. What does the second letter in the code indicate? Answer: type of covering. Question number 28. Helium gas is. Answer: lighter than air. Question number 29. The metal inert gas torch is connected to the. Answer: wire feeder. Question number 30. The type of flame used for oxyacetylene welding of mild steel is. Answer: neutral flame. Question number 31. Which one of the following is a temporary joint? Answer: press fit joint. Question number 32. Sun radiant energy density is lesser than. Answer: CO2 laser. Question number 33. Lack of fusion in a weld joint is mainly caused due to. Answer: low current. Question number 34. Plasma cutting process is basically a. Answer: thermal cutting process. Question number 35. The chemical formula of acetylene gas is. Answer: C2H2. Question number 36. Identify the weld symbol. Answer: single V bud joint. Question number 37. High frequency sound waves are used to test weld defects in. Answer: ultrasonic test. Question number 38. Acetylene gas is. Answer: combustible. Question number 39. Check the leakages of CO2 gas connections with. Answer: soap water solution. Question number 40. Portable acetylene generators are blank type. Answer: carbide to water. Portable acetylene generators are carbide to water type. Question number 41. Internal photographs of the welds are taken in. Answer: X-ray test. Question number 42. Blank is used to generate gamma rays. Answer: radium. Radium is used to generate gamma rays. Question number 43. Preheating is very essential to weld. Answer: cast iron. Question number 44. Metal deposition rate in submerged arc welding is. Answer: more than gas metal arc welding. Question number 45. Heavily oxidized weld bead is due to. Answer: insufficient shielding gas flow. Question number 46. Spot welding is suitable for welding. Answer: lip joint only. Question number 47. The welding of thick plates with single pass is done by. Answer: electroslag welding. Question number 48. Blank welding machine is used in resistance welding. Answer: step down transformer. Step down transformer welding machine is used in resistance welding. Question number 49. Blank is used to know the property of weld metals. Answer: destructive test. Destructive test is used to know the property of weld metals. Question number 50. Which one is non-fusion welding? Answer: forge welding. Forge welding is non-fusion welding. Question number 51. Blank metal emits the electrons in electron beam welding. Answer: tungsten. Tungsten metal emits the electrons in electron beam welding. Question number 52. What is the effect of long arc? Answer: it will give lack of fusion of base metals. Question number 53. The last bit of an electrode which is discarded is called. Answer: stub end. Question number 54. Blank welding machine is used in resistance welding. Answer: step down transformer. Step down transformer welding machine is used in resistance welding. Question number 55. Brittleness property can be tested by. Answer: impact test.
क्वेश्चन नंबर 56, द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अ ब्लैंक टाइप, आंसर स्टेप डाउन, द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन टाइप। क्वेश्चन नंबर 57, एज द आर्क लेंथ इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग वोल्टेज विल, आंसर इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ लेफ्ट जॉइंट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू वर्क इज, आंसर 60 degree टू 80 degree। क्वेश्चन नंबर 59, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द पेरेंट मेटल वेयर द आर्क स्ट्राइक्स इज कॉल्ड, आंसर आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 60, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज ऑलमोस्ट ब्लैंक mm, आंसर 350 टू 450 mm। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज ऑलमोस्ट 350 टू 450 mm। क्वेश्चन नंबर 61, मेटल डिपोजिशन रेट इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज, आंसर लेस देन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 62, द वेल्ड जॉइंट इज फिक्स्ड इन अ चक एंड रोटेटेड एट अ पर्टिकुलर स्पीड विथ लोड हंग एट द अदर एंड इन, आंसर फटिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 63, इन सेमी ऑटोमेटिक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग विच वन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर, आंसर आर्क ट्रेवल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 64, 93% टू 97% ऑफ मेटल डिपोजिशन इज एक्सपेक्टेड इन, आंसर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 65, एन आर्क कैन नॉट बी मेंटेन्ड विथ अ वोल्टेज लोअर देन ब्लैंक इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आंसर 14 वोल्ट्स। एन आर्क कैन नॉट बी मेंटेन्ड विथ अ वोल्टेज लोअर देन 14 वोल्ट्स इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैंक मेटल इज यूज्ड फॉर मेक स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, आंसर कॉपर, कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर मेक स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 67, ब्लैंक इज कॉल्ड साउंड टेस्ट, आंसर स्टेथोस्कोप टेस्ट, स्टेथोस्कोप टेस्ट इज कॉल्ड साउंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज सेम एज, आंसर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 69, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लेम कटिंग हैज टू बी प्रीहीटेड अप टू, आंसर 900 degree Celsius। क्वेश्चन नंबर 70, इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक इज कॉल्ड, आंसर पुशिंग वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71, इनकम्प्लीट फ्यूजन ड्यूरिंग वेल्डिंग इज ड्यू टू, आंसर टू लो करेंट। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल्ड डिफेक्ट, आंसर अंडरकट, अंडरकट इज अ वेल्डिंग वेल्ड डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विल नॉट बी यूनिफॉर्म इट कॉजेस, आंसर पोरोसिटी। क्वेश्चन नंबर 74, मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्ट इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग अप टू, आंसर 6 mm डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 75, एच पर AWS क्लासिफिकेशन कलर कोड फॉर प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज, आंसर ग्रीन। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।